नमस्कार बोलते तारे, आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूँ सोनाली ठाकुर। प्रत्येक वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि को गणेश जयंती मनाई जाती है। गणेश जयंती के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान के साथ की जाती है। मान्यता है कि जो भी भक्त पूरे श्रद्धा से भगवान गणेश की पूजा करते हैं, उनके सारे कष्ट विघ्न परेशानियां दूर हो जाती है। इस बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 24 जनवरी के दिन मंगलवार को दोपहर 3:22 से 25 जनवरी के दिन बुधवार को दोपहर 12:34 तक रहेगी। ऐसे में इस बार गणेश जयंती 25 जनवरी को मनाई जाएगी। वही बुधवार का ये दिन भगवान गणेश को समर्पित माना जाता है। कहते हैं कि अगर आप नौकरी, कारोबार, बीमारी, संतान या घरेलू कलह से जुड़े परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो आप बुधवार को भगवान गणेश से जुड़े उपाय कर सकते हैं। गणेश जयंती भी इस बार बुधवार को ही है। ऐसे में गणेश जी के पूजा से जुड़े अचूक उपाय को करने से आपके सभी बिगड़े काम बन जाएंगे। आइए जानते हैं इस उपायों के बारे में। गणेश चतुर्थी के दिन घर में भगवान गणेश की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कर उनकी नियमित पूजा अर्चना करें। इस उपाय से व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह की कमजोर स्थिति की सुधार होगी और बुध दोष से शांति मिलेगी। गणेश चतुर्थी के दिन मंदिर में जाकर हरी वस्तुओं का दान करें। जरूरतमंद लोगों को हरे रंग के वस्त्र या अन्य उपयोगी वस्तु दान करें। इस उपाय से बुध ग्रह का दोष खत्म होने लगता है और आपके सभी रुके हुए काम पूरे होंगे। भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए गणेश चतुर्थी के दिन हरी मूंग की दाल को चावल के साथ मिलाकर दान कर दे। आप चाहो तो भीगी हुई हरी मूंग का दाल पक्षियों को भी खिला सकते हैं। श्री गणेश को ध्रुवा घास बहुत प्रिय है। चतुर्थी के दिन स्नान आदि करने के बाद मंदिर जाए और वहां पर गणपति जी को ध्रुवा घास का 11 या 21 गांठ अर्पित कर दे। ये उपाय करने से आपके जीवन में सारी परेशानियां दूर हो जाएगी और नए अवसर प्रदान होंगे। और ये थे गणेश जी की पूजा आपको कैसे करनी चाहिए और कैसे आपको इसका फल मिलेगा। और चलिए अब राशिफल की तरफ रुख करते हैं और शुरुआत मेष राशि के साथ करते हैं। किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मन में संशय की स्थिति उत्पन्न होगी और विश्वास में कमी आएगी। ऐसे में किसी सीनियर का मार्गदर्शन काम में आएगा। और अब मेष राशि के जातकों का लकी नंबर और लकी कलर आपको बता देती हूँ। आपका लकी नंबर 3 है और लकी कलर संतरी है। लकी नंबर और लकी कलर के बाद अब वृष राशि की बात करते हैं। घर की बात बाहर ना कहे, पेट संबंधी समस्या हो सकती है, इसलिए बाहर का खाना बिल्कुल ना खाए, घर का बना हल्का भोजन करे। और अब वृष राशि वाले जातकों के लिए लकी नंबर और लकी कलर आपको बता देती हूँ। आपका लकी नंबर 1 है और लकी कलर सलेटी है। और अब बात मिथुन राशि की करते हैं। प्रेम संबंधी में खटास उत्पन्न होगी और आपका ध्यान भी इधर उधर भटकेगा। किसी अनजान व्यक्ति के साथ आपका झगड़ा भी हो सकता है, जिससे तनाव होगा। और अब मिथुन राशि वाले जातकों का लकी नंबर और लकी कलर आपको बता देती हूँ। आपका लकी नंबर 6 है, लकी कलर आपका भूरा है। और लकी नंबर और लकी कलर के बाद कर्क राशि की बात करते हैं। काम में सफलता मिलेगी और अचानक से धन लाभ हो सकता है। अनजान व्यक्ति के साथ निजी बातों को साझा करने से बचें। और अब कर्क राशि वाले जातकों का लकी नंबर और कलर आपको बता देती हूँ। आपका लकी नंबर 2 है, लकी कलर आपका लाल है। और अब सिंह राशि की बात करते हैं। अकेलापन महसूस होगा, जिस कारण मन अशांत रहेगा। किसी मित्र के साथ कुछ समय व्यतीत करें या बाहर घूमने निकले, भगवान के सामने ध्यान लगाएं। आपका लकी नंबर 6 है और लकी कलर आपका पीला है। और अब बात करेंगे कन्या राशि की। घर में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, जिस कारण सभी का मन थोड़ा उदास रहेगा। धैर्य से काम ले और अपने शब्दों का चुनाव सही से करें। चलिए अब कन्या राशि वाले जातकों का लकी नंबर और कलर जान लेते हैं। आपका लकी नंबर 1 है, लकी कलर आपका हरा है। और अब तुला राशि की बात करते हैं। पहले से ज्यादा तरोताजा महसूस करेंगे और कोई नया काम शुरू करने का विचार मन में आ सकता है। सभी के साथ संबंध मधुर बनेगा। और अब तुला राशि वाले जातकों का लकी नंबर और कलर जान लेते हैं। आपका लकी नंबर 8 है और आपका लकी कलर नीला है। चलिए अब वृश्चिक राशि की बात करते हैं। भाई बहन के साथ रिश्ते मजबूत होंगे, व्यापार में घाटा हो सकता है, मन में किसी बात को लेकर उलझन वाली स्थिति बनी रहेगी। चलिए अब वृश्चिक राशि के जातकों का लकी नंबर और कलर जान लेते हैं। आपका लकी नंबर 4 है, लकी कलर आपका काला है। और वृश्चिक के बाद धनु राशि की बात करते हैं। नौकरी में कुछ दबाव का सामना करना पड़ सकता है, जिस कारण मन भारी रहेगा। घर में समय कम देने के कारण दूरियां बढ़ सकती है।
और धनु राशि वाले जातकों का लकी नंबर और कलर आपको बता देती हूँ। आपका लकी नंबर 2 है और लकी कलर आपका श्वेत है। धनु के बाद मकर राशि की बात करते हैं। किसी के साथ अनबन हो सकती है जो एक बड़ी लड़ाई का रूप ले सकती है, इसलिए पहले से ही सावधान रहे और किसी के साथ उलझने से बचें। चलिए मकर राशि वाले जातकों का लकी नंबर और कलर जान लेते हैं। आपका लकी नंबर 9 है और लकी कलर आपका गुलाबी है। और लकी नंबर और कलर के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं। कोई भी बात मन ही मन में परेशान करेगी, लेकिन आप किसी से कह नहीं पाएंगे। ऐसे में आपका ध्यान एक जगह एकाग्र करें और शांत मन से उसे हल करने का प्रयास करें। चलिए आपका लकी नंबर और कलर जान लेते हैं। आपका लकी नंबर 8 है और लकी कलर आपका नारंगी है। और अब अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। आज का दिन थोड़ा नीरस रहेगा और कुछ नहीं करने का मन करेगा। आलस ज्यादा होगा और काम कम। घर में मेहमान भी आ सकते हैं। चलिए मीन राशि वाले जातकों का लकी नंबर और कलर जान लेते हैं। आपका लकी नंबर 7 है, लकी कलर आपका आसमानी है। बोलते तारे में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।